देखिए, ये कोई दारा लगाए मैं रोक नहीं सकता, पर मैं कोई पद के खोज में नहीं हूँ, मैंने ये खुद कहा है। मैं किसी पद की खोज में नहीं हूँ, ना किसी पद का आकांक्षी हूँ, लेकिन अगर लोग मुझे भावी मुख्यमंत्री कहते हैं तो मैं लोगों को रोक नहीं सकता हूँ। ये कहना है कमलनाथ का। एक हफ्ते में दूसरी बार कमलनाथ यही बयान देते हुए नजर आए हैं। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल यानी कि 2023 में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। कमलनाथ लगातार जिलों के दौरे पर है। इस दौरान कमलनाथ पहुंचे थे उमरिया, जहाँ पर प्रेस को संबोधित करते हुए जब उनसे क्या कमलनाथ 2023 में सीएम का चेहरा रहेंगे ये सवाल पूछा गया, तो कमलनाथ का ये जवाब सामने आया, जिसमें कमलनाथ ने कहा कि वो किसी पद के खोज में नहीं है, वो किसी पद के आकांक्षी नहीं है, लेकिन अगर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री कहते हैं तो मैं इस पर किसी कार्यकर्ता को रोक नहीं सकता हूँ, किसी का मुँह बंद नहीं कर सकता हूँ। देखिए, ये कोई दारा लगाए मैं रोक नहीं सकता, पर मैं कोई पद के खोज में नहीं हूँ, मैंने ये खुद कहा है। आपको बता दें कि हाल ही में जब एमपी तक बैठक में कांग्रेस नेता अरुण यादव से सवाल पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ 2023 के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा होंगे, तब अरुण यादव ने कहा था कि ये विधायक दल तय करेगा, जिसके बाद अजय सिंह का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम कौन होगा ये विधायक दल तय करता है, ये दिल्ली से तय होकर आएगा। जिसके बाद से जब कमलनाथ से इस बारे में सवाल पूछा गया तो कमलनाथ ये कहते नजर आए कि वो किसी भी पद के लालच में नहीं है, ना किसी पद की खोज। इससे पहले कमलनाथ ने ग्वालियर में भी जब एमपी तक ने उनसे सवाल पूछा था तब उन्होंने कहा था कि वो किसी पद की खोज में नहीं है। वहीं बता दें कि कमलनाथ के इस बयान के सामने आने के बाद से बीजेपी भी लगातार कमलनाथ और कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गई है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ के इस बयान को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि कोई भावी का नारा लगाए तो मैं उसे रोक नहीं सकता, मैं किसी पद की दौड़ में नहीं हूँ। दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? यदि पद की लालसा नहीं है तो नारा लगाने वालों को तो रोकना होगा, डांटना होगा। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव में कुछ महीनों का समय बचा है, लेकिन सियासत जो है वो गर्मा गई है। खासतौर पे मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम का चेहरा कौन होगा इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि वो किसी पद की खोज में नहीं है, किसी पद की दौड़ में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री कहते हुए होर्डिंग्स भी लगातार मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। खबर उमरिया से भेजिए सहयोगी रविंद्र शुक्ला ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।